नमस्कार, आज हमारे साथ है गुजरात की महामहिम राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल, जो आज राजकोट में गांधी निर्वाण दिन के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि गांधी जी की सही श्रद्धांजलि उनके हिसाब से क्या है। नमस्कार। महात्मा गांधी हमारे देश के लोगों के लिए आदरणीय बापू के रूप में, एक महान व्यक्तित्व के रूप में माने जा रहे हैं, और वो एक यथार्थ भी है कि उन्होंने जिस प्रकार से सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता के प्रति लोगों को एक करके जिस संगठित स्वरूप में देश को खड़ा कर लिया, और बड़े से बड़े साम्राज्य अंग्रेजी राज्य को यहाँ से विदा किया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। और उसके कारण से आज इस बात का एक बहुत बड़ा मान्यता बनी है कि तोप, तलवार और बंदूकों के हथियारों से सुसज्जित कितनी ही बड़ी सेनाएं हों, लेकिन सत्य और अहिंसा की अगर ताकत है तो भी उसको परास्त कर सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश सारी दुनिया के सामने गया है, और इसलिए आज गांधी जी के आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उनकी कही हुई बातों को सारी दुनिया पालने के लिए जो है ना, अपने आप को जो है ना वचनबद्ध करने में लगी हुई है। और मैं समझती हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये दुनिया में जितनी हाहाकार मची हुई है और जितना आपाधापी मची हुई है, उन सबको यही सिद्धांत एक दिन जा कर के शांत कर सकेंगे, वरना ये सब बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए गांधी जी के आदर्शों ने एक बहुत ही संयमित समाज, एक बहुत ही सुसंगठित समाज और एक बहुत ही जुझारू समाज की एक जो तस्वीर दी, वो अपने आप में आज़ादी लाने में सफल साबित हुई। इसलिए कोई भी विचार जितना मजबूत होगा, और उस मजबूत विचार को अमली जामा पहनाने के लिए जितना संघर्षशील व्यक्तित्व होगा, वो अपने आप में उसका अंजाम सही निकलेगा और उसके परिणाम भी जो है ना हम भोग सकेंगे। तो गांधी जी के जो है ना सिद्धांतों से एक और जो सत्य, अहिंसा, शांति, भाईचारा, सौहार्द, ये सारे के सारे सिद्धांत सत्य साबित हुए। जबकि इसको लोग समझते हैं कि तो आदर्श की बातें हैं, लेकिन ये आदर्श की बातें नहीं, वो धरातल पर उतार कर एक बहुत बड़े साम्राज्य अंग्रेजी राज को इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सहनशीलता के साथ में जो है ना मुकाबला किया और देश को आज़ाद किया। ये अपने आप में दुनिया के इतिहास का एक अनूठा पन्ना है जो गांधी जी ने सारी दुनिया को दिया है। इसलिए आज हम जितने जो है ना देश में जाति, धर्म और विभिन्न जो है ना मतभेदों के आधार पर समाज को बांटने में लगे हुए हैं, और अन्य इस प्रकार की हरकतें हम लोग जो देश के अंदर और विदेशों में और तमाम दुनिया में हो रही हैं, आज उनको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि सारी समस्याएं भी सत्य और अहिंसा और मानव मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जा सकती हैं, बजाय इसके कि हम तनाव के अंदर जिएं और तनाव में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करें, और जो ना मानव मात्र को जो है एक मानवता की पाठ पढ़ाने वाले बापू को जो ना हम नमन करते हैं। आज के दिन वो बहुत ही बड़ी हस्ती के रूप में संसार में स्थापित हैं, और हम उनको जो है भारतवासी एक महान हमारा आदर्श मानते हुए राज्य के, समाज के और व्यक्तियों के जो ना अपने जीवन को बहुत जो ना उच्च स्तर तक ले जाने का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक व्यक्तित्व है, उसे हम नमन करते हैं। आज के समय में खास उनके लिए आदर्श श्रद्धांजलि क्या होगी? आदर्श श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिए हुए जो ना सिद्धांतों पर, उनके बताई हुई जो ना वस्तु स्थितियों के ऊपर जो ना अपना अमल करें, न सिर्फ उनको श्रद्धांजलि दें, न सिर्फ उनकी चर्चा करें, न सिर्फ उनके जो है ना किए हुए कामों का वर्णन करें, बल्कि अपने जीवन में भी उसको उतारने की चेष्टा करें, जिससे कि समाज में एक बड़ा भारी परिवर्तन आ सकता है।
ओके, कल हमारे राजकोट में खादी परिधान उत्सव भी हुआ, क्या आपको लगता है कि ऐसे उत्सव से खादी का महत्व बढ़ेगा? खादी का जो उत्सव मनाया है उसमें उत्सव मनाने से खादी का जो है प्रचार बढ़ेगा, खादी के प्रति लोगों को आकर्षण आएगा, जानकारी भी मिलेगी, इसलिए जो है ना वो किया, हर वस्तु का जो है ना एडवर्टीजमेंट इसलिए किया जाता है कि लोग उससे परिचित हों, लोग उसके गुण धर्म को जानें और उसके बाद में उसको अपनाएं, तो इसीलिए खादी का भी जो है ना ये प्रदर्शन किया गया, तो ये लोगों तक पहुंचने के एक जरिया है जो कि बहुत उत्तम ढंग से कल उन्होंने प्रस्तुत किया। राजकोट की जनता के लिए खास कोई संदेश? राजकोट की जनता के लिए खास कोई संदेश? राजकोट की जनता के लिए, राजकोट की जनता के लिए संदेश यही है कि आज के युग की बढ़ती हुई जमाने की रफ्तार के साथ में राजकोट भी अपने कदम आगे बढ़ाए, वैसे काफ़ी कुछ जो है ना आगे चलने की राह पर लगे हुए हैं, लेकिन और भी आज के ज़माने में विज्ञान है, ज्ञान है, प्रौद्योगिकी है और जो है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और जो ना दुनिया भर की जो प्रगतियां हैं उन सारे देशों की प्रगतियों के साथ में राजकोट भी अपने आप को जोड़े और सभी शांतिपूर्वक भाईचारे से अमन चैन से यहाँ पर रहें, यही जो है ना एक भाईचारे का संदेश है।